हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस अशोक कुमार। डियर गाइस, आज हमारा टॉपिक है द फ्यू द लिटिल। फ्यू और लिटिल, ए फ्यू और ए लिटिल को डिस्कस करने के बाद आज हम द फ्यू और द लिटिल को डिस्कस करते हैं। डियर गाइस, आप जानते हैं फ्यू और लिटिल से मुराद है कुछ, थोड़ा या कम, या ज़रा सा, या बहुत कम, या बहुत थोड़ा। डियर गाइस, फ्यू और लिटिल के यूजेज में हम कम, थोड़ी या ज़रा सी चीज़ों को दिखाते हैं। डियर गाइस, चीज़ें थोड़ी हों, ज़रा सी हों, कम हों, लेकिन जितनी भी हों उन सभी को दिखाने के लिए, सारी चीज़ों को दिखाने के लिए और उन सब के बारे में बात करने के लिए हम द फ्यू और द लिटिल का इस्तेमाल करते हैं। द फ्यू और द लिटिल का इस्तेमाल चीज़ें जितनी भी हों, थोड़ी सी हों, ज़रा सी हों, कम हों, जितनी भी हों, उन सभी के बारे में बात करने के लिए हम द फ्यू और द लिटिल का इस्तेमाल करते हैं। द फ्यू और द लिटिल को जो कुछ बचा हुआ है या जो कुछ बाकी है, या हम कहीं बचा कुछ बची कुछ चीज़ों के लिए हम इस्तेमाल भी करते हैं। द और द लिटिल से मुराद है थोड़ा, थोड़ा सा, कम, ज़रा, ज़रा सा, बचा कुचा या बचा हुआ। तो इस तरह की मीनिंग हम द फ्यू और द लिटिल से लेते हैं। इस तरह आपने फ्यू वर्सेस लिटिल के वीडियो में और ए फ्यू और ए लिटिल के वीडियो में देखा था कि हमने फ्यू को प्लूरल फॉर्म में काउंटेबल नाउंस के लिए इस्तेमाल किया था और हम लिटिल और ए लिटिल को सिंगुलर फॉर्म में अनकाउंटेबल नाउंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू अमाउंट दिखाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, मतलब काउंटेबल नाउंस दिखाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जो कुछ, थोड़ी, ज़रा सी या कम चीज़ें हैं वो काउंटेबल हैं, जिनको हम गिन सकते हैं, वो काउंटेबल नाउंस हैं, तो उनके लिए हम फ्यू का इस्तेमाल करते हैं। और जो कुछ चीज़ें कम, थोड़ी सी या ज़रा सी या बची कुछ ही हैं, उनके लिए हम लिटिल की फॉर्म्स, लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल को इस्तेमाल करते हैं और उनको सिंगुलर फॉर्म ही इस्तेमाल करते हैं। डियर गाइस, द फ्यू और द लिटिल से मुराद है बचा कुछा, जो बचा हुआ है, जो बाकी है, जो कुछ अभी थोड़ी सी हैं चीज़ें, जो कुछ थोड़ी सी चीज़ें हैं, कम हैं, ज़रा सी हैं, जितनी भी हैं वो सभी दिखाने के लिए हम द फ्यू और द लिटिल का इस्तेमाल करते हैं। जानते हैं फ्यू अमाउंट दिखाता है और लिटिल क्वांटिटी दिखाता है। इसी तरह द फ्यू भी अमाउंट के लिए इस्तेमाल होता है, अमाउंट मतलब काउंटेबल नाउंस को दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है और लिटिल क्वांटिटी दिखाता है, मतलब अनकाउंटेबल नाउंस के लिए इस्तेमाल होता है। चलें गाइस, हम आज का टॉपिक द फ्यू और द लिटिल स्टार्ट करते हैं। देखिए, जिस तरह आपने देखा फ्यू, ए फ्यू, लिटिल, ए लिटिल को हमने एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी देखा, एज एन इनडेफिनेट प्रोनाउन भी देखा, एज एन एडजेक्टिव भी देखा। इसी तरह हम द फ्यू और द लिटिल को एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, एज एन इनडेफिनेट प्रोनाउन, एज एन एडजेक्टिव भी देखेंगे। Both of them are used to show whatever the amount or quantity is. The few or the little. ये दोनों जो कुछ amount है या जो कुछ quantity है, जितनी भी है, वो सारी दिखाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। Means whatever the things are. इससे मुराद है जो भी amount हमारे पास है countable nouns की, जो भी quantity हमारे पास है uncountable nouns की। वाट एवर द थिंग्स आर, जो भी चीज़ें उसमें हैं, बची कुची, जितनी थोड़ी हैं, जो भी हैं, वो सभी दिखाने के लिए हम द फ्यू और द लिटिल का इस्तेमाल करते हैं। मतलब जितनी भी हों, थोड़ी हों, लेकिन जितनी भी थोड़ी हों उन सभी को दिखाने के लिए हम द फ्यू और द लिटिल का इस्तेमाल करते हैं। आप जानते हैं ए फ्यू और ए लिटिल का वीडियो आपने ज़रूर देखा होगा। तो जिस तरह हमने फ्यू और ए फ्यू के वीडियो में देखा था, वो अमाउंट दिखाने के लिए इस्तेमाल हो रहे थे, प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल हो रहे थे और काउंटेबल नाउंस के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। इसी तरह द फ्यू भी
प्लूरल फॉर्म में काउंटेबल नाउंस की अमाउंट दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है, और द लिटिल भी लिटिल और ए लिटिल की तरह क्वांटिटी दिखाता है, सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल होता है और अनकाउंटेबल नाउंस के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे द फ्यू और द लिटिल में एक मेन चीज़ है जो फ्यू लिटिल ए फ्यू ए लिटिल के वीडियो में नहीं थी, वो ये है कि द फ्यू एंड द लिटिल आर यूज्ड फॉर द थिंग्स दैट आर डिस्क्राइब्ड। द फ्यू और द लिटिल को हम सेंटेंसेस में वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे जिन चीज़ों के हम बारे में हम बात कर रहे हों, जिन चीज़ों को हम दिखा रहे हैं वहाँ पे वो बयान की गई हों, मतलब उनके बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन हमारे पास हो, उनके बारे में मज़ीद मालूमात हमारे पास हो, तो हम द फ्यू और द लिटिल का इस्तेमाल करेंगे, वरना नहीं करेंगे। वरना वहाँ पे हम फ्यू ए फ्यू लिटिल ए लिटिल का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब सेंटेंसेस में चीज़ों को डिस्क्राइब किया जाए, मतलब उनके बारे में मज़ीद डिस्क्रिप्शन दी जाए, डिस्क्रिप्शन होना ज़रूरी है। अगर उन चीज़ों के बारे में डिस्क्रिप्शन दी गई है, उसको बयान किया गया है, उसके बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन दी गई है, तो हम द फ्यू और द लिटिल का इस्तेमाल करेंगे। अगर इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, उसको डिस्क्राइब नहीं किया गया है, तो हम कोई भी ए फ्यू फ्यू ए लिटिल या लिटिल को इस्तेमाल करेंगे। देखते हैं, पहला एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मैंने द फ्यू के एग्जांपल लिखे हैं और इस साइड पे द लिटिल के एग्जांपल लिखे हैं। पहले हम द फ्यू को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैंने द फ्यू के डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के एग्जांपल भी लिखे हैं, इनडेफिनेट प्रोनाउन के एग्जांपल भी लिखे हैं, और एज एन एडजेक्टिव भी इस्तेमाल होता है तो उसके भी एग्जांपल लिखे हैं। हम देखते हैं, यहाँ पे पहले द फ्यू का सेंस देखते हैं। आई हैव सोल्ड द फ्यू ऑफ द बुक्स आई हैड। मैंने उन किताबों में से कुछ किताबें, या मैं कह सकता हूँ मैंने कुछ किताबें बेच दी हैं, आई हैड, जो मेरे पास थी। तो डेविज यहाँ पे आप देख रहे हैं, आई हैव सोल्ड द फ्यू ऑफ द बुक्स, हमने द फ्यू का इस्तेमाल किया है, द फ्यू ऑफ द बुक्स। यहाँ पे द फ्यू बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। डेविज आप जानते हैं डिस्ट्रीब्यूट प्रणाम के जो पिछले हमारे तकरीबन 14-15 वीडियोज़ हैं वो आपने ज़रूर देखे होंगे, तो उसमें हमने आफ लगाकर आफ के बाद कोई भी प्लूरल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन, मतलब एडजेक्टिव पार्ट में इस्तेमाल करके हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन बनाया था। इसी तरह आपने फ्यू ए फ्यू लिटिल ए लिटिल के वीडियो में ज़रूर देखा होगा। तो यहाँ पे द फ्यू एज ए डिस्ट्रीब्यूटर प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है, इन बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। आई हैव सोल्ड द फ्यू ऑफ द बुक्स आई हैड, जो कुछ मेरे पास किताबें थी या जितनी मेरे पास बची हुई किताबें थी, जितनी मेरे पास बची कुछ ही किताबें थी या जो कुछ मेरे पास किताबें थी वो मैंने बेच दी हैं। यहाँ पे देखें आई हैड, ये आई हैड क्या है, आई हैड इन बुक्स को डिस्क्राइब कर रहा है, इन बुक्स के बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन दे रहा है, मतलब द फ्यू ऑफ द बुक्स आई हैड, किताबें जो मेरे पास थी, मतलब उन बुक्स उन किताबों के बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन दे रहा है, मतलब किताबें जो कि मेरे पास थी, मतलब उसके बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है। आई हैड यहाँ पे बुक्स की डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन है तो हम द फ्यू का इस्तेमाल करेंगे, अगर डिस्क्रिप्शन नहीं है तो हम द फ्यू का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पर हम एफ यू या फ्यू का इस्तेमाल करेंगे। वो डिपेंड करता है सेंटेंस पे और जो बोलने वाला होता है उस पे डिपेंड करता है, वो जितनी अमाउंट दिखाना चाहेगा उसके हिसाब से या तो एफ यू इस्तेमाल करेगा या फ्यू इस्तेमाल करेगा, वो डिपेंड करता है बोलने वाले पे, स्पीकर पे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास डिस्क्रिप्शन है, अगर हम डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं सेंटेंस में, हम बोलते वक्त लिखते वक्त सेंटेंस में नाउंस की डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, नाउंस को डिस्क्राइब कर रहे हैं, नाउंस के बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो वहाँ पे हम द फ्यू का इस्तेमाल करेंगे। आई हैव सोल्ड द फ्यू ऑफ द बुक्स आई हैड, यहाँ पे द फ्यू ऑफ द बुक्स एज ए डिस्ट्रीब्यूटर प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है। द फ्यू ऑफ द बॉयज हु हैड पेंस इन देयर हैंड्स वर कॉल्ड, कुछ लड़के जिनके हाथों में पेन थे, जिनके हाथों में पेंस थी उनको बुलाया गया, कुछ लड़के जिनके हाथों में पेंस थी उनको बुलाया गया। तो डेविज यहाँ पे देख रहे हैं द बॉयज़ हमारा नाउन है, इसको हु हैड पेंस इन देयर हैंड्स,
हु से लेकर हु हैड पेंट्स इन देयर हैंड्स, यहाँ तक जो है ये बॉयज़ के बारे में मज़ीद हमने डिस्क्राइब किया है। बॉयज़ के लिए नाउन के लिए हमने डिस्क्रिप्शन दी है, नाउन के लिए हमने डिस्क्रिप्शन दी है। जहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन देते हैं वहाँ पर हम डेफ यू का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे हमने डेफ यू का इस्तेमाल किया है। डेफ यू ऑफ द बॉयज़ मतलब उन लड़कों में से कुछ लड़के हु हैड पेंट्स इन देयर हैंड्स, जिनके हाथों में पेंट्स थी, वर कॉल्ड बुलाए गए। तो डेगज आप देख पा रहे हैं जहाँ पे नाउन्स के साथ डिस्क्रिप्शन है उनके लिए हम थोड़ा या ज़रा सा या कुछ या बच्चा कुछ दिखाने के लिए हम डेफ यू का इस्तेमाल कर रहे हैं। डेफ यू बुक्स, यहाँ पे आपने देखा ये फर्स्ट सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस में डेफ यू एज ए डिस्ट्रीब्यूटर प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि उसके साथ आफ लगा हुआ है और आफ के बाद यहाँ पे डेफ बुक्स है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है ऑब्जेक्टिव पार्ट में, यहाँ पे भी आफ के बाद डेफ बॉयज़ है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है ऑब्जेक्टिव पार्ट में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्यू इन बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, यहाँ पे डेफ यू इन डेफ बॉयज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो यहाँ पे डेफ यू एज ए डिस्ट्रीब्यूटर प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है। और आप यहाँ पे आप देख रहे हैं डेफ यू इस सोल्ड जो हमारा ये वर्ब है इस वर्ब के बाद इस्तेमाल हो रहा है, तो एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे डेफ यू वर, ये वर्ब है हमारा वर, वर से पहले इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। देखें वर से पहले आप कहेंगे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ हु हैड पेंट्स इन देयर हैंड्स ये तो डिस्क्रिप्शन है नाउन की, तो ये अलग चीज़ है, ये डिस्क्रिप्शन है। द बॉयज़ प्रीपोजिशन के बाद इस्तेमाल हो रहे हैं, तो यहाँ पे बॉयज़ जो है एज ए ऑब्जेक्ट फंक्शन करेंगे, और उन ऑब्जेक्ट की ये तो डिस्क्रिप्शन है, तो सब्जेक्ट कौन सा बनता है, सब्जेक्ट डेफ यू बनता है। और हम जो वर्ब लेते हैं वो हमेशा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लेते हैं, हमने यहाँ पे वर्ब का इस्तेमाल किया क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है डेफ यू प्लूरल फॉर्म इस्तेमाल होता है, तो इसलिए उसके लिए हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, मतलब आर का करेंगे, हैव का करेंगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, हम प्लूरल वर्ब लेंगे। द फ्यू बुक्स दैट आई हैड हेल्प्ड मी पास द एग्जाम्स, द फ्यू बुक्स दैट आई हैड, कुछ किताबें या थोड़ी सी किताबें या बची कुछ किताबें जो कि मेरे पास थी, दैट आई हैड जो कि मेरे पास थी, हेल्प्ड मी मेरी मदद की पास द टेस्ट, टेस्ट पास करने में, जो किताबें मेरे पास थी, जितनी भी किताबें मेरे पास थी या जो थोड़ी सी किताबें मेरे पास थी या जो कुछ बची हुई किताबें मेरे पास थी, उन्होंने टेस्ट पास करने में मेरी मदद की। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने डेफ यू का इस्तेमाल किया, क्योंकि डेफ बुक्स जो हमारा नाउन है इस नाउन की यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दी हुई है, दैट आई हैड ये डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन था आई हैड। तो डियर गाइस यहाँ पे देख रहे हैं दैट आई हैड, यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन हमने इस बुक्स के बारे में दी है, बुक्स के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन दी है, तो यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन दी है मतलब नाउन को डिस्क्राइब किया है, तो यहाँ पे हम डेफ यू का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे हम एफ यू या फ्यू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। डेफ यू बुक्स दैट आई हैड हेल्प्ड मी पास द टेस्ट, जो कुछ किताबें मेरे पास थी उन्होंने मेरे टेस्ट पास करने में मदद की। यहाँ पे हम फ्यू से मतलब ले सकते हैं जो कुछ बची हुई, ज़रा सी, थोड़ी सी, जो कम, इस तरह हम फ्यू की मीनिंग ले सकते हैं। द फ्यू विच आर प्रेजेंट विल बी टॉट, देखिए यहाँ पे देखें तीसरा नंबर सेंटेंस है, यहाँ पे फ्यू एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे फ्यू एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि ये जो हमारा नाउन है ये नाउन से पहले इस्तेमाल हो रहा है और इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, इस नाउन के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन है, मैं बुक्स, कितनी बुक्स, थोड़ी बुक्स, तो यहाँ पे जो फ्यू है वो एज ए एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है। आपने ऊपर दो सेंटेंस में देखा था यहाँ पे डेफ यू ऑफ द बुक्स, डेफ्यू ऑफ द बॉयज, यहाँ पे एज ए डिस्ट्रीब्यूटर प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा था, और तीसरे नंबर सेंटेंस में डेफ्यू एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है। देखें चौथा नंबर सेंटेंस, डेफ्यू विच आर प्रेजेंट विल बी टॉट, कुछ जो कि मौजूद हैं या हाजिर हैं, विल बी टॉट पढ़ाया जाएगा, उनको पढ़ाया जाएगा, मतलब जो कुछ मौजूद हैं उनको पढ़ाया जाएगा, मतलब हम बात कर रहे हैं फ्यू का इस्तेमाल कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स हमारा नाउन है, नाउन के लिए हम फ्यू का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि एज ए प्रोनाउन इस्तेमाल कर रहे हैं। द फ्यू विच आर प्रेजेंट, यहाँ पे हम दिखाना चाह रहे हैं कि जो कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं या हाजिर हैं, विल बी टॉट, उनको पढ़ाया जाएगा।
यहाँ पे आप देख रहे हैं डेफ यू का हमने इस्तेमाल किया, क्योंकि उसके साथ विच आर प्रेजेंट, ये पूरी हमने डिस्क्रिप्शन दे दी। डिस्क्रिप्शन देना ज़रूरी है, अगर प्रोनाउन के साथ डिस्क्रिप्शन है तो वहाँ पे हम डे का इस्तेमाल करें, मतलब डेफ यू या डे लिटल इस्तेमाल करेंगे। डेफ यू विच आर प्रेजेंट, कुछ जो कि मौजूद हैं उनको पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे डेफ यू एज एन इनडेफिनेट प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है, एज एन इनडेफिनेट प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि डेफ यू यहाँ पे कोई ख़ास पर्सन नहीं दिखा रहा है, मतलब किसी खास चीज़ के बारे में, किसी खास पर्सन के बारे में बात नहीं कर रहा है। यहाँ पे आने चला है कि बॉयज़ हैं, स्टूडेंट्स हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, कौन से पर्सनस हैं हमें यहाँ पे पता नहीं चल रहा है। तो डेफ यू यहाँ पे एज एन इनडेफिनेट प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है। और आप देख रहे हैं ये जो विल हमारा वर्ब है, इस वर्ब से पहले इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। आई मार्क्ड एब्सेंट द फ्यू हु वर मेकिंग नॉइस, जो शोर मचा रहे थे उनको मैंने एब्सेंट लगा दिया, उनको मैंने एब्सेंट लगा दिया जो शोर मचा रहे थे, मतलब आई मार्क्ड एब्सेंट द फ्यू, मतलब उनको हमने एब्सेंट लगा दिया जो के शोर मचा रहे थे। तो देखिए यहाँ पे देख रहे हैं दे फ्यू के बाद हु वर मेकिंग नॉइस, यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं दे फ्यू को, यहाँ पे हम जो एब्सेंट हैं उनको डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो डिस्क्राइब कर रहे हैं मतलब डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, तो हमने दे फ्यू का इस्तेमाल किया। आई मार्क्ड एब्सेंट दे फ्यू हु वर मेकिंग नॉइज, यहाँ पे आप देख रहे हैं दे फ्यू एज एन इनडेफिनेट प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें पता नहीं चला है बॉयज़ की बात हो रही है, स्टूडेंट्स की बात हो रही है, गर्ल्स की हो रही है, बॉयज़ की हो रही है, मेल की हो रही है, फीमेल की हो रही है, या किसी पर्सन की हो रही है, हमें यहाँ पे किसी कोई ख़ास पता नहीं चल रहा है। तो देफ यू यहाँ पे एज एन इनडेफिनेट प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है। और आप देख रहे हैं मार्क्ड एब्सेंट, ये जो हमारा वर्ब है इस वर्ब के बाद इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। तो गाइज आपने देखा हमने देफ यू को वहाँ पर इस्तेमाल किया जहाँ पे उन नाउंस के लिए कोई डिस्क्रिप्शन थी, कोई मज़ीद इंफॉर्मेशन थी, उनके बारे में मज़ीद मालूमात थी, तो हमने देफ यू का इस्तेमाल किया। अगर मज़ीद इंफॉर्मेशन नाउंस के बारे में नहीं होती तो हम डेफ यू का इस्तेमाल नहीं करते। और देखिए आपने देखा डेफ यू प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल हो रहा था, और उनके लिए जो हम सेंटेंस में वर्ब ले रहे थे वो भी प्लूरल इस्तेमाल हो रहे थे। देखिए यहाँ पे हमने डेफ यू को एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, एज एन इनडेफिनेट प्रोनाउन, एज एन एडजेक्टिव देखा। आगे देखते हैं आप लिटिल को। लिटिल आप जानते हैं पहले मैंने बताया क्वांटिटी दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है, सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल होता है, और अनकाउंटेबल नाउंस के लिए इस्तेमाल होता है। और देखिए जितना मैंने शुरू में बताया डेफ यू और द लिटिल के लिए एक जो मेन पॉइंट है वो मेन पॉइंट ये है कि अगर सेंटेंस में उसके लिए हम डिस्क्रिप्शन देंगे तो डेफ यू का इस्तेमाल करेंगे, अगर डिस्क्रिप्शन नहीं होगी नाउंस को हम मज़ीद बयान नहीं करेंगे, नाउंस के बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन सेंटेंस में हम नहीं देंगे तो हम एफ यू, फ्यू, ए लिटिल या लिटिल का इस्तेमाल करेंगे, द फ्यू और द लिटिल का वहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हम जो भी सेंटेंस पढ़ रहे हैं उनमें जो नाउंस मौजूद हैं उन नाउंस के बारे में हम मज़ीद इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। आई गॉट द लिटिल ऑफ द नॉलेज अबाउट फिजिक्स, आई गॉट द लिटिल ऑफ द नॉलेज अबाउट फिजिक्स, मैंने फिजिक्स के बारे में थोड़ी सी या ज़रा सी या कुछ नॉलेज हासिल की, या हम कह सकते हैं मैंने फिज़िक्स के बारे में थोड़ा सा इल्म हासिल किया, थोड़ी सी मालूमात हासिल की। यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया डेफ यू ऑफ द नॉलेज। आप देख रहे हैं लिटिल नॉलेज के लिए इस्तेमाल हो रहा है, मतलब अनकाउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। आगे देखते हैं गिव मी द लिटिल ऑफ द राइस यू हैव, गिव मी द लिटिल ऑफ द राइस यू हैव, मुझे थोड़े से चावल दीजिए, कुछ चावल दीजिए जो के आपके पास हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कौन से चावल, जो के आपके पास हैं, यू हैव, हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, हम यहाँ पे राइस के बारे में, जो राइस हमारा नाउन है, इस नाउन के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कौन से राइस, कौन से चावल जो आपके पास हैं, मतलब हम नाउन को मज़ीद बयान कर रहे हैं, उसके बारे में मज़ीद मालूमात दे रहे हैं, नाउन के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। तो हमने यहाँ पे द लिटिल का इस्तेमाल किया, गिव मी द लिटिल ऑफ द राइस। अगर हम यहाँ पे जो यू हैव ये हमारा डिस्क्रिप्शन है इसको अगर हम रिमूव करें तो यहाँ पे हम द लिटिल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो हम यहाँ पे लिटिल या ए लिटिल का इस्तेमाल करेंगे।
वो डिपेंड करता है स्पीकर पे, जो बोलने वाला होता है उस पे डिपेंड करता है। वो गुजारा होने वाली क्वांटिटी दिखा रहा है तो इस्तेमाल करेगा ए लिटल, अगर वो गुजारा ना होने वाली मतलब बहुत ही कम ना होने के बराबर क्वांटिटी दिखाने की बात कर रहा है तो वो लिटिल का इस्तेमाल करेगा। तो ठीक है जी, वो तो आप लिटिल, ए लिटिल, फ्यू और ए फ्यू के वीडियोस में सीख चुके हैं। यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं तो डेफ्यू और दे लिटिल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम डिस्क्रिप्शन को हटा दें, यू आई को अगर हम हटा दें तो हम यहाँ पे दे लिटिल जो है ये हमारा इनकरेक्ट है, यहाँ पे लिटिल या ए लिटिल आ सकता है। इसी तरह यहाँ पे भी हु हैड पेंट्स इन देयर हैंड्स, ये जो डिस्क्रिप्शन है उन बॉयज़ की, ये डिस्क्रिप्शन अगर हम रिमूव कर दें तो यहाँ पे डेफ्यू हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पे हम एफ्यू या फ्यू का इस्तेमाल करेंगे। वो डिपेंड करता है स्पीकर पे, जितनी वो क्वांटिटी दिखाएगा मतलब जितनी वो अमाउंट दिखाएगा उस अमाउंट के हिसाब से वो या तो फ्यू इस्तेमाल करेगा या एफ्यू इस्तेमाल करेगा। इस तरह आप देख रहे हैं यहाँ पे दैट आई हैड, ये जो डिस्क्रिप्शन है इन बुक्स की, अगर इस डिस्क्रिप्शन को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे डेफ्यू का इस्तेमाल नहीं होगा, तो यहाँ पे डेफ्यू का इस्तेमाल इनकरेक्ट होगा, यहाँ पे हम एफ्यू या फ्यू इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए आप समझ पा रहे हैं, अगर डिस्क्रिप्शन को हटा देते हैं तो डेफ्यू का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, अगर डिस्क्रिप्शन लगा देते हैं नाउन के बारे में तो वहाँ पे द लिटिल या डेफ्यू का इस्तेमाल होता है। द लिटिल सेविंग दैट वी हैड, द लिटिल सेविंग दैट वी हैड वी स्पेंट ऑन आवर विजिट, थोड़ी सी बचत जो कि मेरे पास थी हमारे पास थी, थोड़ी सी बचत जो कि हमारे पास थी हमने विजिट पे खर्च कर दी, थोड़ी सी बचत या ज़रा सी बचत या जो कम थोड़ी सी मकदार में थी बचत जो हमारे पास थी वो हमने विजिट पे खर्च कर दी। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं डे लिटिल का हमने इस्तेमाल है, क्योंकि ये जो सेविंग हमारा नाउन है इसके बारे में हमने मज़ीद इन्फॉर्मेशन दे दी, दैट वी हैड जो कि मेरे पास है, हमने सेविंग को डिस्क्राइब किया उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे दी, तो यहाँ पे हमने डे लिटिल का इस्तेमाल किया। अगर ये डिस्क्रिप्शन नहीं होती, लिटिल सेविंग वी स्पेंट ऑन आवर विजिट, यहाँ पे हम डे लिटिल का इस्तेमाल नहीं करते, हम लिटिल या ए लिटिल का इस्तेमाल करते अगर डिस्क्रिप्शन नहीं होती। ही वेस्टेड द लिटिल दैट, यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे आपने देखा ये जो पहला सेंटेंस है आई गॉट द लिटिल ऑफ द नॉलेज, यहाँ पे ये जो गॉट हमारा वर्ब है इस वर्ब के बाद द लिटिल इस्तेमाल हो रहा है तो एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे गिव हमारा वर्ब है, वर्ब के बाद लिटिल इस्तेमाल हो रहा है तो एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। आप देख रहे हैं द लिटिल ऑफ द नॉलेज मतलब ऑफ लगा हुआ है, ऑफ के बाद नाउन लगा हुआ है मतलब ऑब्जेक्ट पार्ट में, यहाँ पे भी द लिटिल के बाद ऑफ लगा हुआ है, ऑफ के बाद नाउन लगा हुआ है ऑब्जेक्ट पार्ट में, तो यहाँ पे द लिटिल एज ए डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है। द लिटिल सेविंग, ये जो तीसरा नंबर हमारा सेंटेंस है इसमें, ये जो तीसरा नंबर हमारा सेंटेंस है इसमें द लिटिल जो है ये इसके साथ ऑफ नहीं लगा हुआ है कोई भी इसकी, तो ऑफ नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं है और यहाँ पे प्रोनाउन भी नहीं है क्योंकि नाउन के साथ लगा हुआ है। जब प्रोनाउंस किसी नाउन के साथ लगे हुए होते हैं तो वहाँ पे वो एज ए प्रोनाउन फंक्शन नहीं करते हैं, उनको हम प्रोनाउन नहीं कहेंगे, उनको हम एडजेक्टिव कहेंगे, यहाँ पे द लिटिल एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हो रहा है एज एन एडजेक्टिव। देखते हैं नेक्स्ट, ही वेस्टेड द लिटिल दैट ही हैड बोरोड फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, ही वेस्टेड द लिटिल दैट ही हैड बोरोड फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, उसने थोड़े से ज़ाय कर दिए जो कि उसने अपने दोस्तों से उधार लिए थे, मतलब यहाँ पे द लिटिल को हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैसों के लिए, मनी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मनी जो हमारा नाउन है, नाउन की जगह पर हम द लिटिल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो द लिटिल यहाँ पे एज ए प्रोनाउन फंक्शन कर रहा है। और आप देख रहे हैं ये जो वर्ब है वर्ब के बाद इस्तेमाल हो रहा है तो एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है, द लिटिल यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। और आप देख रहे हैं डियर गाइज यहाँ पे द लिटिल एज एन इनडेफिनेट प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे द लिटिल जो है वो कोई ख़ास चीज़ नहीं दिखा रहा है, हमें पता नहीं चल रहा ये किस खास चीज़ को बयान कर रहा है, तो यहाँ पे ये इनडेफिनेट है, यहाँ पे हमें सर्टेनिटी नहीं है, क्लियर नहीं है, तो द लिटिल यहाँ पे एज एन इनडेफिनेट प्रोनाउन फंक्शन कर रहा है। और वर्ब के बाद इस्तेमाल हो रहा है तो एज ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। और आप देख रहे हैं लिटिल के बाद जो दैट ही हैड बोरोड फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, ये जो पूरी डिस्क्रिप्शन है फ्रेंड लिटिल के बाद ये डिस्क्रिप्शन दी हुई है, तो डिस्क्रिप्शन इसके बारे में दी हुई है मतलब
ये जो लिटिल है यहाँ पे किसी नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, और उस नाउन की हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे दी, तो यहाँ पे हम लिटिल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ए लिटिल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, या हम लिटिल द लिटिल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि डिस्क्रिप्शन दी हुई है। शी ड्रैंक द लिटिल मिल्क मिल्क्ड फ्राम गोट। शी ड्रैंक द लिटिल मिल्क मिल्क्ड फ्राम गोट। उसने थोड़ा सा या ज़रा सा या कुछ दूध पिया जो कि बकरी से निकाला गया था। तो आप उन्हें देख रहे हैं मिल्क्ड फ्राम गोट, मिल्क्ड फ्राम गोट, वो दूध जो बकरी से निकाला गया है। यहाँ पे मिल्क जो हमारा नाउन है, इस नाउन के लिए ये जो डिस्क्रिप्शन दी हुई है, कौन सा मिल्क, जो बकरी से निकाला गया, मिल्क्ड फ्राम गोट, बकरी से निकाला गया। तो मिल्क के बारे में हमने मज़ीद डिस्क्रिप्शन दे दी, मज़ीद इंफॉर्मेशन दे दी, उसको मज़ीद बयान कर दिया। तो यहाँ पे हम द लिटिल का इस्तेमाल करेंगे, द लिटिल मिल्क मिल्क फ्राम गोट, क्योंकि यहाँ पे नाउन के साथ उसकी डिस्क्रिप्शन है। अगर डिस्क्रिप्शन नहीं होती तो हम ए लिटिल या लिटिल का इस्तेमाल करते। चलें गाइज, उम्मीद करता हूँ आपको डेफ्यू और द लिटिल का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। डियर गाइज, डेफ्यू और द लिटिल को हम उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे उन चीज़ों के उन नाउंस के बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन हमें मिली हुई हो, या हम मज़ीद इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हों, मज़ीद हम उसको डिस्क्राइब कर रहे हों, उन नाउंस को हम मज़ीद डिस्क्राइब करके मज़ीद इंफॉर्मेशन देके उनके बारे में मज़ीद मालूमात देके डिस्क्रिप्शन देके हम बयान कर रहे हैं, तो हम डेफ्यू और द लिटिल का इस्तेमाल करते हैं। और डियर गाइस, जिस तरह हमने एफ्यू और फ्यू को इस्तेमाल किया था, इसी तरह डेफ्यू भी प्लूरल फॉर्म में काउंटेबल नाउंस के लिए अमाउंट दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। और जिस तरह हमने लिटिल और ए लिटिल को इस्तेमाल किया था, इसी तरह द लिटिल क्वांटिटी दिखाने के लिए सिंगुलर फॉर्म में अनकाउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल होता है। और डियर गाइस, डेफ्यू और द लिटिल से मुराद ये है कि जो कुछ बचा कुचा, बचा हुआ, थोड़ा सा, ज़रा सा, लेकिन जितना है, जितना थोड़ा है, जितना कुछ बचा हुआ है, जो कुछ कम है, जो कुछ ज़रा सा हमारे पास है, उस सब को दिखाने के लिए हम डेफ्यू और द लिटिल का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं द फ्यू ऑफ द बुक्स, मतलब जो कुछ हमारे पास किताबें हैं उन सब का हम दिखा रहे हैं। द फ्यू ऑफ द बॉयज़, जो कुछ लड़के हैं वो सब, जो कुछ हैं तो कुछ थोड़ा हिस्सा, सब तो नहीं है, कुछ हिस्सा, मतलब कुछ हैं, थोड़ी सी अमाउंट में है, तो हम द फ्यू का इस्तेमाल करते हैं। द फ्यू बुक्स, मतलब जो कुछ किताबें हैं, जो कुछ हैं वो सारी दिखाने के लिए हम द फ्यू का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे द लिटिल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कुछ चावल हैं वो सभी दिखाने के लिए, जो कुछ सेविंग है वो सभी दिखाने के लिए द लिटिल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कुछ उधार लिया गया वो सभी दिखाने के लिए द लिटिल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कुछ दूध बकरी से निकाला गया सारे दूध को, उस पूरे दूध को दिखाने के लिए हम द लिटिल का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको डेफ्यू और द लिटिल का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। इनको हम एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इस्तेमाल कर सकते हैं, एज एन इनडेफिनेट प्रोनाउन भी इस्तेमाल होते हैं, एज एन एडजेक्टिव भी इस्तेमाल होते हैं, और ये एज एन एडवर्ब भी इस्तेमाल हो सकते हैं। तो डेगेज, आप जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच सेंटेंस में कोई भी काइंड ले सकते हैं, कोई भी किस्म ले सकते हैं, वो सेंटेंस में उनके फंक्शन और यूजेज पे डिपेंड करता है। चलें गाइस, आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। डियर गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि हर अपलोड होने वाला वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।